जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल लोग खुद को फिट रखने के लिए धड़ल्ले से कर रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बताया है कि ये शुगर फ्री स्वीटनर इंसान के शरीर के लिए मीठा जहर की तरह काम करते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद को फिट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग जिम में पसीना बहाते हैं, कुछ योग करते हैं तो कुछ लोग जॉगिंग और स्विमिंग भी करते हैं। इन सब के साथ ही लोग अपने खाने पीने को लेकर भी काफी एहतियात बरतते हैं, खासकर तली भुनी चीजों और चीनी से बनी चीजों को खाने से परहेज करते हैं ताकि वो मोटापे के शिकार ना हो और बीमारियों से भी बचे रहें। इन्हीं सब के चक्कर में कई लोग ऐसे हैं जो खुद को फिट रखने के लिए आर्टिफिशियल स्वीट को बेहतर विकल्प मानते हैं, जबकि कुछ लोग शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोजाना शुगर फ्री गोलियां और मिठाई का सेवन कर रहे हैं। लेकिन ये भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, ये दावा किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है। WHO ने बताया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंसान के शरीर के लिए मीठे जहर की तरह काम करते हैं। इसके रोजाना इस्तेमाल से लोगों को टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है। क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पूरी तरह से आर्टिफिशियल होता है, उसमें किसी भी तरह का नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं होता है और ये पूरी तरह से सिंथेटिक चीजों से बना होता है जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर भी लोग बिना सोचे विचारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का प्रयोग खुद को फिट रखने के लिए कर रहे हैं, खासकर आज की नौजवान पीढ़ी जो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ही फिक्रमंद रहती है। लेकिन अगर आप काफी लंबे समय से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका वजन भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये आपके आंत की बैक्टीरिया को एक हद तक प्रभावित करता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है। और अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होती है, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को भूल से भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ और बच्चा दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। हालांकि अगर आप इन तमाम खतरों से बचना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बजाय नेचुरल फ्रूट स्वीटनर ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि WHO ने अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा है कि अगर खाने पीने की किसी चीज में मिठास लाना जरूरी हो तो इसके लिए नेचुरल फ्रूट स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स किसी भी रूप में ले रहे हैं तो इससे परहेज करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुगर फ्री स्वीटनर के इस्तेमाल को समझने के लिए हमने सेलेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर डीके गुप्ता से बात की। स्पेशल शुगर जो लोग यूज करते हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो नंबर बात यह है कि जो भी मानक लिखे हैं उस पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे, उसके अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी उपयोग कर रहे हैं हम, उन निर्माता द्वारा जो लिखित जानकारी है उसको हमें पालन करना चाहिए। नंबर टू, जो खाने में हमें संतुलित आहार का पालन करना चाहिए, मतलब प्रोटीन, फैट, वसा और जो लो शुगर कंटेंट की चीजें उनका उपयोग करना चाहिए, वो चीजें डाइट में लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत एक्सेस में नहीं खानी चाहिए। कोई भी चीज अगर मैं एक्सेस में खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी जो आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार, जो फिजिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट है, उसकी सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए।